15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिन। ये दिन हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सबके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जगाता है और देशभक्ति को दिखाने के लिए हम सभी तिरंगा खरीदते हैं, तिरंगे को अपने व्हीकल्स पर लगाते हैं, तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहनते हैं, तिरंगे को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने का और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का भी ट्रेंड चला हुआ है। इस साल तो लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट किया है कि अगर झंडे को संभालने की औकात नहीं है तो झंडा मत खरीदना। इसका रीजन ये है कि हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे मनाने के बाद दूसरे दिन 16 अगस्त को तिरंगे की क्या दुर्दशा होती है। तिरंगा कहीं रस्ते में पड़ा हुआ मिलता है तो कहीं डस्टबिन में दिखाई देता है। लोग सोशल मीडिया में पोस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये कोई नहीं बताता कि तिरंगे को सम्मान के साथ कैसे डिस्पोज करें। आइए हम आपको बताते हैं कि आप तिरंगे को सम्मान पूर्वक कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार तिरंगे को दो तरीकों से डिस्पोज किया जा सकता है और दोनों तरीकों को अपनाने के भी नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। पहले तरीके में आपको एक सुरक्षित जगह देखकर उसे साफ करके वहां आग लगानी है। अब आप तिरंगे को अच्छी तरीके से फोल्ड करके बीच में सम्मान पूर्वक रखें। जब तक तिरंगा पूरी तरह से न जल जाए तब तक सम्मान पूर्वक खड़े रहें। अब दूसरे तरीके में आप तिरंगे को फोल्ड करके एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर सम्मान पूर्वक जमीन के अंदर दफना दें। दफनाने के बाद आप कुछ और देर सम्मान पूर्वक मौन की मुद्रा में खड़े रहें। इन दोनों तरीकों में आपको स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना है, तभी आप तिरंगे की शान को कायम रख पाएंगे। दोस्तों, आप अपने देश के प्रति जो प्यार है उसे व्यक्त करने के लिए तिरंगा जरूर खरीदिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि तिरंगा जो देश की शान है उस पर आंच न आने दें। इस मैसेज को अपने देशवासियों तक जितना ज्यादा हो सके उतना पहुंचाएं ताकि हमारे तिरंगे की गरिमा सदा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।